बंधन धनराजगीर ने जबान दी थी, पीछे नहीं हटूंगा। क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो? फाइनली वो हो गया जिसका हम वेट कर रहे थे। वादा करता हूं मैं तुमसे कि तुम सिर्फ मेरी हो। वादा करता हूं मैं तुमसे कि तुम्हारी हर हंसी, तुम्हारे हर आंसू का कारण सारी उम्र मैं ही बना रहूंगा। तुम आजाद हो पंक्ति, तुम आजाद हो। अब तुम कुछ भी कर सकती हो, खुश हो सकती हो, चिल्ला सकती हो, दुनिया को बता सकती हो, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। पंक्ति, अब तुम पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा, तुम्हारी हंसी पे, तुम्हारी चाहतों पे, तुम्हारे सपनों पे, तुम्हारे गुस्से पे, तुम्हारे सैड फेस पे, उस पे भी तुम्हारा हक होगा। क्या हुआ पंक्ति? पंक्ति, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये जमीन, ये आसमान, पूरी दुनिया तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। पंक्ति, 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 पंक्ति। माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा भरोसा रख लिया। लड़ाई मुश्किल थी, लेकिन मुझे यह विश्वास था कि अगर आप साथ हैं तो हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। अपर्णा, तुम्हें देखकर मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं इतनी अच्छी माँ नहीं हूं। नहीं दीदी, आप एक अच्छी माँ भी हैं और एक अच्छी बड़ी माँ भी। तो कहाँ है आज के स्टार्स? पता नहीं दीदी, लेकिन जहां भी होंगे एक दूसरे के साथ ही होंगे। अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर अपने आने वाले नए कल की तैयारी में। बैंग, SOLD, सोल। पंक्ति, ये क्या कर रही हो? ये देखो ना, ये निशान, ये निकल ही नहीं रहा है यहाँ। कितनी कोशिश कर रही हूँ मैं। क्या? ये यही निशान, यही जो चेड़ी साहब ने मुझ पर लगाया था, ये सोल का निशान, ये नहीं जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, ये कभी नहीं जाएगा। पता है, प्यार में बहुत ताकत होती है। शोमी, दो। इससे कल के सारे दाग, सारे निशान निकल जाते हैं। देखो, निकल गए। खड़ी हो, कम आराम से। सच में
मुझे क्यों दिख रहे? जब भगवान बहुत सारी खुशियां एक साथ दे देता है ना, तो इट्स अ लिटिल हार्ड टू बिलीव। नहीं, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं और वो जिंदगी भर नहीं खुलेंगी। खुल जाएंगी। मैं हूं ना, बस कदम बढ़ाने की देर है। चलो मेरे साथ, चलो। आपकी कुछ भी नहीं लगती, ना रखनी ना जागीर। इसे रखिए और जाइए यहां से। आओ मेरे साथ, आओ, अब यहां चिल्लाओ, चिल्लाओ। सारी भड़ास, सारा गुस्सा निकाल दो। देखो, एक लंबी सी सांस लो एंड जस्ट लेट इट आउट। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। अरे चीड़ी ने तो तुम्हें आजाद कर दिया, तुम खुद कब आजाद होगी? ट्राई, कम ऑन, कम ऑन। मैं आजाद हूं। क्या था ये? खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं है? कम ऑन, अच्छे से जान लगा के, कम ऑन। मैं आजाद हूं, ऐसे, कम ऑन। और तेज, और जोर से। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। Just
तुमने मुझे आजाद कर दिया। हाँ, अब मेरी हंसी भी मेरी, मेरे आंसू भी मेरे, मेरी मर्जी भी मेरी, मेरी हाँ भी मेरी, मेरी ना भी मेरी। तुम जीत गए हाँ। हम जीत गए। चलो घर चले। घर? यस चलो। आज आपका बेटा घर आएगा भी या फिर नालायक आज भी भारी रहेगा। अच्छा इतना ही नालायक है तो फिर 50 लाख देकर साइन क्यों किया? मानव जी प्यार करते हैं उससे तो फिर छिपाते क्यों? क्योंकि आप उससे जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए एक बाप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा प्यार छुपाना पड़ता है। और रहा सवाल चेक का, इतने साल डाटा है उसे, ये चेक उसी का भुगतान था। भुगतान नहीं, ये आशीर्वाद था। और मानव जी यही प्यार और आशीर्वाद अब आपको पंक्ति को भी देना है। सिर्फ आशीर्वाद? नो, मैं उनका दिल से वेलकम करूंगी। आहान ने इतना बड़ा चैलेंज जीता है और दोनों फॉर्मली एज अ कपल घर आ रहे हैं। चाहते ना चाहते हुए मैंने पिछले कुछ दिनों में आहान को हर्ट भी किया है, तो ये सिर्फ एक वेलकम नहीं होगा बल्कि मेरी तरफ से एक अपॉलोजी भी होगी। हाँ, और पंक्ति भी वेलकम फील करेगी। जैसी सी उसकी मॉम है ना, आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि उस बेचारी ने उस घर में बहुत सफर किया है। बस चिल, हमें उसकी मॉम से परमिशन एक बार लेनी चाहिए। विक्रम, बट रिचा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसकी मॉम है, लीगल हक बनता है उनका। अगर है जबरदस्ती घर पे लेके आएंगे तो पुलिस केस बन सकता है। पुलिस लीगलिटीज तो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात ये है कि वो तुम्हारी मॉम है। उन्होंने अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी नहीं निभाएंगे। इसीलिए मैं चाहता था कि अपना रिलेशनशिप फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले हम उनकी ब्लेसिंग्स ले लें। जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मतलब तुम अकेले? पंक्ति प्लीज अकेले मत जाओ। तुम्ही ने अभी कहा ना, वो जैसी भी है मेरी माँ है, उसी हक से मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। जब तक एक गुलाम थी, एक चीज थी, कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज फील हो रहा है कि मैं आजाद हूँ, तो शायद आज कह पाऊँ। पर आहान प्लीज, बात खत्म होते ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। सही है, अब तो तुम आजाद हो, जो मन में है वो करो, योर लाइफ योर रूल्स। पता है ये मेरे डैड मुझे सरकाज़म में कहते थे, पर मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। बाय। दी, माँ,
तुम जीत गए, फाइनली तुम जीत गए। ये गंदी लाइफ, चेड़ी साहब का साया, इन सब से तुम बाहर निकल गई। मैंने पंक्ति न्यूज में सब देख लिया और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हारे लिए। बताओ कैसे सेलिब्रेट करना है तुम्हें? एक दूसरे के आंसू पोंछकर, हाँ, हंसते हंसते रोते हुए और रोते रोते हंसते हुए। सारी खुशी अपने बहन के साथ ही शेयर करोगी? अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगी? तुम्हारी जिंदगी का दर्दनाक पड़ाव खत्म हो गया है, नया शुरू हो गया है। आशीर्वाद तो ले लो। माँ, आप मेरी जिंदगी के नए पड़ाव में मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? भगवान करे तुम्हारा अगला खरीदार तुम्हारी कीमत जैन साहब से भी अच्छी चुकाए। जैन साहब का तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट खत्म हो गया है, तो नया खरीदार तो ढूंढना पड़ेगा ना। वो आने वाला है, पंक्ति को दुल्हन के रूप में देखना चाहता है। मुझे लगा था कि आप में अब भी थोड़ी ममता बाकी होगी, कि आप ये एजेंट की तरह से नहीं एक माँ की तरह से बात करेंगी, लेकिन नहीं। तुम मेरी तरह एक्ट्रेस नहीं हो, ये बड़े बड़े डायलॉग मत बोलो। माँ प्लीज, पंक्ति को जिंदगी जीने का एक मौका मिल रहा है, प्लीज प्लीज उसे खुशी खुशी विदा करो, प्लीज मां। विदाई घर में होती है जहां लोग रहते हैं, ये तो एक होटल है, यहां लोग आते हैं और पड़ी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं, रातें गुजारते हैं, समझी? चलो मेरे साथ। मां का? मैंने कहा चलो। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ प्लीज उसे जाने दो। अब मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। आहार मुझे आजाद करवा चुका है माँ। जैन साहब से आजाद करवाया होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे उसका ताया भी आजाद नहीं करवा सकता, समझे तुम? ये बात भूलो मत, तुम जैसी लड़कियां ना कभी आजाद नहीं होती, सिर्फ एक्सचेंज होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ और एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, हस्बैंड तक तो कभी पहुंचती ही नहीं। चेरी साला कमीना निकला, लकी भी निकला, मजे भी कर लिए और 10 करोड़ भी
और 10 करोड़ भी अपने पास, और खाली हाथ रह गए किसके? मेरे। तुम्हारा बस एक काम है, समझी? मेरे लिए पैसे कमाना। प्यार व्यार के चक्कर में ना तुमने मेरा व्यापार खराब कर दिया। मत भूलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ माँ। एक बात मत भूलना, तू एक रखनी है और सारी उम्र रखनी ही रहेगी, समझी? ये कोई मेडल नहीं है, जब चाह पहन लिया और जब चाह उतार दिया। ये एक दाग है जो कभी नहीं उतरता। माँ, तुझे क्या लगता है, हाँ? तू एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहती है? अरे तू तो अंधेरा है, गंदगी है, समझी? जी ये सब कैसे मिलेगा, हाँ? माँ बता। बस करिए, गंदी मैं नहीं, गंदी आपकी ख्वाहिश है। दाग मुझ पर नहीं, दाग आप पर लगा एक बुरी माँ होने का। मैं यहाँ पर आपको एक मौका दे रही थी इस दाग को हटाने का, लेकिन आप उसमें भी फेल हो गई। इस वहम में आई थी कि कहीं ना कहीं इस हार्टलेस इमोशनलेस औरत के अंदर कहीं ना कहीं मेरी माँ जिंदा होगी, लेकिन लगता है आपने अपने जमीर और अपने ईमान के साथ साथ अपनी ममता को भी मार दी। और अब जो कुछ भी बचा है ना आपके पास, बस ये लालच और मोह के।